नमस्ते। पहले मैं मायूस थी, उदास थी। इस कढ़ाई को घिस घिस के तो मेरी खुशियां ही घिस गई। और फिर मैंने पाया 100 नींबियों की शक्ति वाला डिश क्लीनर। और अब मेरी लाइफ में प्रिडिक्टेबली खुशियां ही खुशियां हैं। तो शाक्स, ऐसी पट्टी आपने भी पढ़ी है क्या? 99.9% जर्म्स का सफाया, 3 गुना सफेदी वगैरह वगैरह। अब ये 99.9% जर्म किल का तो मुझे पता नहीं, पर इस बहाने ये कन्वेंशनल क्लीनर्स आपके घरों में खतरनाक केमिकल्स की एक कोटिंग जरूर कर रहे हैं। इसीलिए मैं लाई हूँ कोपारो। कोपारो इंडिया का पहला नारियल शक्ति पर आधारित क्लीनिंग ब्रांड है। मैं हूँ सिमरन, कोपारो की CEO एंड फाउंडर। हम बनाते हैं बिना किसी हार्मफुल केमिकल्स के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, जो हैं इको फ्रेंडली, पेट सेफ और चाइल्ड सेफ। हमारी रेंज इंक्लूड करती है डिश वॉशिंग लिक्विड, लॉन्ड्री ग्रे के प्रोडक्ट्स, होम एंड सर्फिस क्लीनर्स, हैंड वॉशेस, स्पेशलिटी क्लीनर्स और क्लीनिंग एक्सेसरीज। पिछले 2.5 सालों में हमने 3 लाख यूनिट भारत के कोने कोने तक पहुँचाई है। हम प्रेजेंट हैं मेजर ई कॉमर्स साइट्स पर, अपनी ऐप पर, अपनी वेबसाइट coparoclean.com पे, और अब हमने ऑफलाइन की जर्नी भी शुरू करी है। मेरी आस है 70 लाख्स फॉर 1%। तो शार्क्स, आप साइन करना चाहेंगे ये क्लीन और ग्रीन डील? ग्रेट पिच, ग्रेट स्टार्टिंग। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप इसमें कैसे आई और आपका बैकग्राउंड क्या है? मैं पली बड़ी तो इंडिया की आर्मी कंटोनमेंट्स में हूँ, क्योंकि मेरे फादर इंडियन आर्मी में थे। कॉलेज का रास्ता ले गया मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से लंदन तक LSE, और वहाँ से ISB हैदराबाद MBA के लिए। ISB मैंने 2006 बैच से करी है, तो अच्छा। मेरा 15 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस बिफोर कोपारो रहा है। मैंने MBA करने के बाद मिकिन्जी में शुरुआत करी, फिर स्टार, हॉट स्टार। मेरा लास्ट बड़ा असाइनमेंट स्टार में था, मैं हिंदी GEC की रेवेन्यूज देखती थी। रेवेन्यू देखना मतलब सेल्स, राइट? यस। अच्छा। और फिर कोपारो से पहले मैं जगरनॉट बुक्स की CEO रही। ओह, ऑलराइट। एंड सेल्स आप देखते थे फिर से? सो यू बेसिकली अ बिजनेस पर्सन। बिजनेस सेल्स पर्सन। रेवेन्यू और मोनेटाइजेशन मुझे समझ आता है। कोपारो कैसे आपने सोचा शुरुआत करने की? आपका इतना बढ़िया प्रोफेशनल करियर रहा, वो छोड़ करके आपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कैसे शुरू करी? पैंडेमिक में हम सब घर पे लॉक्ड अप थे, वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, होम स्कूलिंग सब कुछ चल रहा था। घर में मेरे हस्बैंड, मेरी 5 साल की बेटी भी मेरा हाथ बटा रहे थे क्लीनिंग में। और फिर मुझे इंटरेस्ट हुआ कि ये क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स कौन से इंग्रेडिएंट से बनते हैं। और मुझे हैरानी भी हुई, दुख भी हुआ कि इनमें काफ़ी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। एंड मुझे लगा कि ऐसी सोल्यूशन हमें लानी चाहिए इंडिया मार्केट के लिए, जिससे प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली भी बने, चाइल्ड सेफ भी हों, पेट सेफ भी हों, और अगर मेरी 5 साल की बच्ची भी क्लीनिंग करना चाहती है तो मुझे बेझिझक उसको अपना प्रोडक्ट दे देना चाहिए। आई एम श्योर आपने मार्केट साइज, अपॉर्चुनिटीज के बारे में स्टडी किया होगा। मेरी ट्रेनिंग जो है मैकिन्जी में और बिजनेस की जो ट्रेनिंग मुझे मिली है मीडिया में, एक टॉप डाउन मार्केट व्यू बिल्ड किया। टॉप डाउन मार्केट साइजिंग उसे कहते हैं जब आप एक देश की GDP, उसकी आबादी और अलग अलग प्लेयर्स का साइज लेकर एक मार्केट साइज का अंदाजा लगाते हैं। बॉटम्स अप मार्केट साइजिंग उसे कहते हैं जब आप अपनी प्रोडक्ट यूनिट्स की सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके एक अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट कितनी बड़ी है। जब ये दोनों नंबर्स, बॉटम्स अप और टॉप डाउन, एक बराबर मिलने लगे, तब आपको ये भरोसा आ जाता है कि मैंने मार्केट साइजिंग बराबर सीखी। मैंने देखा कि ये 55,000 करोड़ की क्लीनिंग इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में FMCG प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं। अभी न्यू वेव ऑफ D2C ब्रांड्स कम है और ये एक वाइट स्पेस है, एक अपॉर्चुनिटी है। बट नारी शक्ति अब तक समझ में आती है, लेकिन ये नारियल शक्ति क्या है बताइए? हर क्लीनिंग प्रोडक्ट का बेस होता है एक सर्फैक्टेंट। सर्फैक्टेंट वो चीज होता है जो झाग देता है। तो जो हम सर्फैक्टेंट यूज करते हैं वो कोकोनट या कोपरा बेस्ड है, एंड इसीलिए हमारा नाम है कोपारो। ये जो प्रॉब्लम आप बोल रही है, हाँ जी, ऑफ टॉक्सिन्स इंपैक्टिंग आवर हेल्थ, इसमें कुछ डेटा है कि जेन्युइनली ऐसे होता है कि आपके कपड़े धुले एक वॉशिंग पाउडर में जो एवरेज ब्रांड का है, right. तो उससे आपकी हेल्थ में क्या इम्पैक्ट होगा? इसका कुछ स्टडी है, डेटा है? तो आप इंग्रेडिएंट्स को स्टडी करें तो ब्लीच
जो आम लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स में डाला जाता है, बहुत सारे मेडिकल स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि इससे डर्माटाइटिस, एक्जिमा और वेरियस आई इरिटेशन ट्रिगर हो सकती है. थैंक्स टू द ब्यूटी इंडस्ट्री, ब्लीच, फॉस्फेट्स, अमोनिया जैसी अवेयरनेस आ रही है कि ये केमिकल्स हमारे लिए अच्छे नहीं है. पर ब्यूटी में भी आज भी 80% तो SLS, SLES वाले हैं. बिल्कुल. ये अब बनाम डिस्टेंस है. कपड़े ब्लीच में धुले, सूखे, उसके बाद आपने पहना, लोग उसके बारे में सोचे तो बहुत ही दूर है. टू फार स्ट्रेच्ड. सबसे पहले इस पूरी कैटेगरी में जहाँ पे आप एक इनरोड बना सकते हैं वो है आपकी डिश क्लीनिंग. क्योंकि अज्यूम किया जाता है कि ये आपके बर्तनों को टच कर रही है. अगर यहाँ पे कोई टॉक्सिक रेसिड्यू रह रहा है तो आप इसको इंजेस्ट कर रहे हो. तो ये इन मी प्लेटफॉर्म कहा जाता है. तो जो भी आप इन योर सेल्फ डाल रहे हो वहाँ पे आपको सबसे पहले तेजी मिलेगी. एंड यस, डिश वॉशिंग लिक्विड इज माई हीरो प्रोडक्ट. उसके बाद आता है ऑन मी. तो लॉन्ड्री लिक्विड इज द नेक्स्ट टू प्रीमियमाइज. ये जो नैरेटिव्स आजकल बन रहे हैं, yes, कि ऑल केमिकल्स आर बैड फॉर यू, ये काफी हद तक इसमें साइंटिफिक कंक्लूजन अभी तक आया नहीं है. ये मतलब एक पोजीशनिंग गेम हो गया है, जैसा कि आपने भी अपने पिच में शुरू किया. ये एक नई स्टोरी बन गई. आई एम नॉट अ बिलीवर दैट ऑल केमिकल्स आर बैड. आई एम ऑल्सो नॉट अ बिलीवर कि आपकी एफिकेसी कॉम्प्रोमाइज हो. तो हम वही प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो हमारी इंटरनल लैब स्टडीज में हम सेटिस्फाई हैं कि ये नेचुरल क्लीनर्स इफ इक्वली इफेक्टिव इफ नॉट बेटर आपको सफाई दे रहे हैं. But then FMCG companies can also do the same, right? और what is stopping them? Beauty में भी होने लगा है, ये industry में भी होगा. But उससे क्या फर्क पड़ता? नहीं, because they have distribution. नहीं फर्क पड़ता. उनका भी इसमें interest नहीं है क्योंकि price point आपका बहुत high होगा and वो उनके लिए बहुत छोटा market है. जरूर अगर ये trend mainstream है, बड़ा होगा, तो 2-3 साल या 4-5 साल में वो जरूर इसमें enter करेंगे. और तब तक हमारी क्षमता है कि हम यहाँ पे एक बड़ा brand बनाएं. पर प्राइस पॉइंट्स पे जो आपने एक बात करी तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा 2x 3x वाला प्रीमियम नहीं है. तो मेरा डिशवॉश लिक्विड 500 ml, ये बिकता है 159 rupees का. ओह, नॉट बैड. एंड कंपैरेटिव एंड विम लिक्विड इज 125 rupees. नॉट बैड, दैट्स अमेजिंग. दिस इज द एंट्री पैक एंड दिस इज अ 27% प्रीमियम. जैसे पैक साइज बढ़ते हैं तो प्रीमियम्स भी और भी अट्रैक्टिव होते हैं. अगर मैं लॉन्ड्री लिक्विड में जाऊं तो 2 लीटर एक स्वीट स्पॉट होता है लॉन्ड्री में. हमारा एक 1.8 लीटर है, बिकता है 529 rupees का. इसमें आते हैं 45 डोजेस. और सर्फ एक्सेल का जो फ्रंट लोडिंग लिक्विड है वो बिकता है 440 का, जिसमें आते हैं 33 डोजेस. तो हमारा हुआ 11.7 रुपीस पर डोज, उनका हुआ 13.3 रुपीस पर डोज. तो ये तो आपने बेहतर कर दिया है प्राइस. कोकोनट बहुत अच्छा प्लांट है सफाई के लिए. ये भी नहीं पता था हमें कि ऐसा भी कुछ होता है. यही बात है कि पूरी वर्ल्ड ने अडॉप्ट कर लिया है और जहाँ से है वही हम थोड़े पीछे रह गए हैं. बट बाहर कोकोनट क्लीनर भी चल रहा है या खाली कोकोनट फूड चलता है? नहीं, डेफिनेटली. तो जो भी नेचुरल क्लीनर्स बनाएंगे ना वो कोकोनट या शुगर केन बेस्ड सर्फेक्टेंट्स ही यूज करते हैं. और इंटरनेशनली बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं. कौन सी है ग्लोबल ऐसी कंपनी? 7th Generation सबसे बड़ी है. यही सेम कोकोनट पे? यस. आप प्लीज दिखा दीजिए ना अपने कुछ प्रोडक्ट्स. थैंक यू. That's an air freshener. You can pick up a fragrance strip. Ah, nice. And what is this? Don't tell me you're launching t-shirts. No, we are not. This is a t-shirt washed in our laundry care. Ah. So I just wanted you. What is this? That's an all-purpose cleaner and hand wash. And this is a detergent. ये काफी clean और fresh है इसकी smell. जो all-purpose cleaner है. Yes. It doesn't feel chemically. आपका एयर फ्रेशनर तो बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है. ये स्ट्रिप पे ट्राई किया. आप एकदम से क्लीनिंग से एयर फ्रेशनर पे चले गए हैं, मतलब एक सेगमेंट डाइवर्जन नहीं है? हमारे एयर केयर एक्चुअली हमारे ऑफलाइन एक्टिवेशंस में हमारा बहुत मदद करते हैं. अच्छा. जहाँ पे लोग इस प्रोडक्ट को टच एंड फील कर सकते हैं. और ओवर द लास्ट 2.5 years फ्रेग्रेंसेस हमारे USP बन गए हैं. पर हैंड वॉश थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, बिकॉज लोग का मानना है कि जिससे मैं बर्तन धोती हूँ, जो ब्रांड से मैं कपड़े धोती हूँ, वो ब्रांड में अपनी बॉडी पे हाथ धोने के लिए नहीं लगाऊंगी. बहुत रेयर ब्रांड्स हैं जो मूव कर पाए हैं फ्रॉम बर्तन एंड कपड़े टू हैंड वॉश. एक्चुअली हैंड वॉश की अडॉप्शन काफी स्ट्रॉन्ग है.
क्या आपका ब्रांड एक्विटी ट्रांसफर हो पाएगा इतनी कैटेगरीज में? इन द लॉन्ग टर्म इज इट सस्टेनेबल? I truly think it is sustainable to cut across a dishwash and a hand wash and a laundry. हम तो एक कैटेगरी ब्रांड ही बना रहे हैं, बट अगर मुझे लगे 18 महीने बाद कि इस पोर्टफोलियो में एक्चुअली दो या तीन रेंजेस ही रखनी चाहिए हमें, तो हम वो करेंगे। क्या आज भारत में और कंपेरेटर्स आपके आसपास आ रहे हैं, और अगर वो आ रहे हैं तो उनके कंपैरिजन में आप कितना आगे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर आज के दिन में? समझ, एक ब्रांड है हर्बल स्ट्रेटजी करके, एक ब्रांड है प्योर कल्ट, एक बॉर्न गुड है, तो हमारे काफी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। प्योर कल्ट के प्रोडक्ट्स हमसे ऑलमोस्ट दो गुना एक्सपेंसिव हैं। कईयों की बात करूं तो उनमें बहुत एसेंशियल ऑयल्स की लोडिंग है, रंग भी भरे हुए हैं। और मार्केट शेयर में क्या डिफरेंस होगा? हम इनसे बड़े हैं। आप इन सबसे बड़े हैं? हर्बल स्ट्रेटजी से नहीं बड़े हैं, वो हमसे काफी पहले से मार्केट में है, 10-12 साल हो चुके हैं उनको मार्केट में, पर हम बाकी दो से तो बड़े हैं। हर्बल स्ट्रेटजी कितना बड़ा है? वो 300-400 करोड़ का बिजनेस करते हैं। लवली। एंड आपका कितना है रेवेन्यू? पिछले महीने हमारा रेवेन्यू रहा है 80 लाख। नॉट बैड। लास्ट ईयर कितना था रेवेन्यू? 4.5 करोड़। एंड दिस ईयर प्रोजेक्टेड 12 करोड़। ओह वेरी नाइस, बट इट्स स्टिल वेरी अर्ली। मतलब आप कह रहे हैं 400 करोड़ के बाद सीधा 12 करोड़ का ब्रांड इज नंबर 2? क्योंकि अभी नेचुरल केयर में स्पेस इतनी क्राउडेड नहीं है। आपने इतनी गट्स है कि आपने प्राइस पॉइंट सर्फ, मतलब जो मार्केट लीडर है, उसके आसपास रखा है। मतलब दैट इज फिनोमिनल। मैं आपको ऑफर देती हूँ 70 लाख 2%, व्हिच इज 35 करोड़ की वैल्यूएशन। ओह वाओ, कमाल। आई थिंक आप फिनोमिनल फाउंडर हो, एंड आई थिंक मुझे आपके साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। सुनो जी, आपकी कैप टेबल में भी कोई है? मेरे इन्वेस्टर्स हैं। दो तीन राउंड तो रेज किया आपने? मैंने दो राउंड रेज करे हैं। फर्स्ट राउंड रेज किया था नवंबर 21 में, और वो राउंड था मेरा 5.6 करोड़ का राउंड, दैट वाज एट अ वैल्यूएशन ऑफ 32 करोड़। एंड फिर मैंने फेब 23 में राउंड रेज करा है, एंड दैट वाज 12 करोड़ एट अ वैल्यूएशन ऑफ 57 करोड़। चलो वही वैल्यूएशन पे मैं आपको ऑफर करता हूँ जो आपका लास्ट राउंड हुआ 70 लाख। बट आपका फेब से अभी तक बिजनेस ग्रो किया है ना? अच्छा, यस। वैल्यूएशन भी ऑब्वियसली बड़ी होगी, इसीलिए मैंने 70 करोड़ की वैल्यूएशन गलत नहीं मांगी। आपने गलत नहीं मांगी। मार्जिन क्या है बिजनेस में? हमारा ग्रॉस मार्जिन है 66%। अभी आपका मार्केटिंग स्पेंड कितना है? 66% है। फिर मेरा ऑर्डर प्रोसेसिंग, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग, वो 28% की कॉस्ट बनती है, वो तो ये से निकल गया, तो वो गिर के 38% हो जाता है मेरा CM1। और मैं आज की डेट में 33-34% परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे स्पेंड करती हूँ, जिससे मुझे almost everything. जिससे मुझे 3-4% अभी CM2 मिलता है। मेरा गोल है कि मैं जब एग्जिट करूंगी मार्च 24 में, मैं इसको 6-8 और फिर 8-10% सस्टेनेबली रखूंगी। लास्ट मंथ लॉस कितना है और बर्न कितना है दोनों? सो लास्ट मंथ हमारा लॉस था 21 लाख और हमारा बर्न था अराउंड 27 लाख। और कैश कितना बाकी है अभी? आई हैव मोर देन 10 करोड़ इन द बैंक। तो ऑलमोस्ट इतना कैपिटल रेज किया था है अभी बैंक। यस। आपका जो सेल है वो क्रेडिट में है, कैश में है, कौन से चैनल पे है? So 45% मेरी वेबसाइट की कंट्रीब्यूशन है, 40% Amazon की कंट्रीब्यूशन है, 7-8% बिग बास्केट, और बाकी एक लॉन्ग टेल है जिसमें क्विक कॉमर्स इंक्लूडेड है। अभी आगे कैसे स्केल करेंगे आप? ऑफलाइन जाएंगे या ऑनलाइन ही बेचते रहेंगे? हमारा एक नेशनल डील क्रैक हुआ है रिलायंस के स्टोर्स के साथ, हमको इसको एक CM2 8-10% लेवल पे लेके आना है ताकि ये रिस्पेक्टिवली आखिर तक खड़ा रह सके। उसके लिए मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए प्राइसिंग स्ट्रेटजीज लगानी पड़ेंगी, उसके लिए बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स ई-कॉमर्स साइट्स के साथ रखने पड़ेंगे। आप कर लो इससे, आपके साथ इंसाफी करते हैं, आपकी वैल्यूएशन बढ़ाते हैं। तो मेरा ऑफर है एट 60 करोड़ 70 लाख इन्वेस्टमेंट फॉर 1.16% ऑफ योर, तो वेरी क्लोज टू व्हाट यू वांटेड, बिकॉज़ एक्सेप्शनल फाउंडर, कैटेगरी सही। 3 करोड़ बढ़ा दी, इतना बड़ा डायलॉग मार्केट। सिमरन जी, एक तो वो DDLJ के बाद सिमरन जी बोलने का बड़ा मन कर रहा था, तो सिमरन जी आप इतने स्मार्ट हो, सब सही है, सेल सही है, हम क्या ऐड कर पाएंगे? अमन, मैं आपको चढ़ा नहीं रही हूँ, बट जैसे आप डिजिटली नेटिव ब्रांड बिल्डिंग जानते हैं ना, मैं मुझे नहीं लगता कोई ऐसे डील चाहिए तो चढ़ा दो, डील चाहिए तो चढ़ाओ, यही सुनने की मैं वेट कर रहा था। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, मैं सोलो फाउंडर हूँ
जो एक्सपीरियंस आप लोगों के पास है, जितने हाईज और लोज से आप लोग गुजर चुके हो, अगर आप मेरे लिए वन फोन कॉल अवे वन सक वाटर भी हो, मेरे लिए वो बहुत बहुत वैल्यूएबल है। आई हैड यू, आपने जब ये बोला ना कि आपकी प्रीमियम ज्यादा नहीं है, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। जिस दिन आपका इक्वालिटी की तरफ मतलब प्राइस सेम होने लगा तो आप फोड़ सकते हो। विनीता, यू वांट टू डू इट विद मी? तो ठीक है, मैं और विनीता आपको कुछ कंबाइंड ऑफर देते हैं। 70 लाख फॉर 1%। टेक इट और लीव इट, जल्दी बताइए डील पक्की कि नहीं। डील पक्की विनीता एंड अमन। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। मेरे को पता था आपको अमन की आशा है। वी डिडंट गेट आउट, आपको हमारा ऑफर नहीं सुनना है। नहीं सुनना है, सॉरी। आई थॉट शी इज क्लियर ब्रो, शी हैड अमन की आशा। थैंक यू, वेरी इंस्पिरेशनल। थैंक यू, गुड जॉब। Congrats, all the best. तो आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आखिरी में कंक्लूड कर नहीं पाया, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके प्रोडक्ट्स में बहुत सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है। हम लोग शायद देश के सबसे बड़े क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के बायर्स हैं, स्पेशली जो फ्लोर क्लीनिंग्स हैं। तो उसके लिए मैं आपको न्योता देना चाहूंगा, आप आकर के हम लोगों से मिलिए और हम आपको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स ब्रो, थैंक्स, मींस अ लॉट। थैंक यू।